मिथिला पेंटिंग और बिहार की ये कला अब सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपना नाम कर रही है। अब मिथिला पेंटिंग के साथ साथ देवघर में एक ऐसी ही कला को सामने लेकर आए हैं वहीं के कलाकार नरेंद्र मंझियारा। इनकी इस खास और अनोखी पेंटिंग का नाम है बैद्यनाथ पेंटिंग। बाबा बैद्यनाथ की धरती पर इस कलाकृति की तारीफ सावन के महीने में हुई और जिला प्रशासन ने भी ये घोषणा की कि इस पेंटिंग का नाम बाबा बैद्यनाथ के नाम पर रखा जाएगा। इस पेंटिंग की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसके जरिए बाबा बैद्यनाथ की स्थापना की पूरी कहानी और द्वादश ज्योतिर्लिंग की स्थापना के बाद देवघर का सांस्कृतिक परिवेश रहन सहन आदि सभी चीजों को बारीकी से दिखाया गया है। आइए हम खुद नरेंद्र पंजियारा से जानते हैं इस रहस्यमयी कला के बारे में। बैद्यनाथ पेंटिंग देवघर मंदिर के कारण जो कल्चर डेवलप हुआ उन चीजों को हम चित्र के माध्यम से दिखाए हैं। देवघर की ये अपनी पेंटिंग है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ का जो है मंदिर के कारण मंदिर में जो पूजा पाठ होता है उसकी जो पद्धति है उसमें जो बहुत सारे संस्कार होते हैं जैसे मुंडन संस्कार हुआ, विवाह संस्कार हुआ, उपनयन संस्कार हुआ और सब जो पूजा की पद्धति है उन सारे चीजों को हम चित्र के माध्यम से दिखाने का कोशिश। लगभग 3.5 सालों की कड़ी मेहनत के बाद यहाँ के कल्चर 108 पेंटिंग की इस श्रृंखला से दिखाने का प्रयास किया गया है। जब हमारे संवाददाता ने पूछा कि आखिर ये शुरू करने के पीछे कारण क्या रहा तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमें पहले लगता था जब हम कई दूसरे राज्यों में जाते थे लगता था कि वहाँ हम जब देखते थे वहाँ की अपनी पेंटिंग तो हमें थोड़ा सा लगता था कि खास खास देवघर के लिए भी कोई ऐसी पेंटिंग होती तो हम इसमें जो है कोशिश किए और आपके सामने परिणाम आपके सामने है बैद्यनाथ पेंटिंग के रूप में। ये पेंटिंग इतने कम समय में इतनी प्रभावी हो गई कि अब तक कई विद्यार्थी बैद्यनाथ पेंटिंग को जानने के लिए देवघर पहुंचे हैं। इसे लेकर देवघर में 5 दिवसीय एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था जिसमें बैद्यनाथ पेंटिंग के बारे में इसके जनक नरेंद्र पंजियारा ने बारीकियों से निफ्ट के छात्र और छात्राओं को समझाया था। साथ ही इस पेंटिंग की खासियत के बारे में बात की गई थी। जब हमारे संवाददाता ने पूछा कि सरकार से इस कला को आगे ले जाने के लिए क्या किया गया है तो सुनिए नरेंद्र ने क्या कहा। सरकार से हमको इसमें फेलोशिप भी मिला है, 2 साल का फेलोशिप भी पूरा कर दिया, रिपोर्ट भी चला गया। आगे इसकी योजना है कि इसे हम आम लोगों तक कैसे पहुंचाएं, इससे इसके माध्यम से रोजगार से कैसे जोड़े, इन चीजों पर अभी काम मेरा चल रहा है। प्रशासन भी इसमें इंटरेस्ट ले रही है, आगे और सबके सहयोग से इसे पूरे विश्व लेवल पर इसको हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके इस प्रयास के लिए, इस कला को आगे बढ़ाने में लगी कड़ी मेहनत के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार ने भी पंजियार को सम्मानित किया है। आगे के बारे में जब हमारे संवाददाता ने पूछा तो सरकार से वो किस तरह की मदद चाहते हैं तो सुनिए उनका क्या कहना है। सरकार से चाहते हैं कि मेरी एक दिली इच्छा थी कि कोई ऐसा जगह सरकार तय करे जहां कि हम इन सारे पेंटिंग को अपने हाथों से उसको एक जगह संकलित कर दें दीवारों पे, जो कि वो दार्शनिक स्थल के रूप में विकसित हो जाए। बाहर से पर्यटक आएंगे, जब मेरी पेंटिंग सारी पेंटिंग को जब देखेंगे तो इसमें एक साथ देवघर के सारे कल्चर को एक जगह देखने को मिलेगा। ये अद्भुत होगा। अगर प्रशासन इसमें जरा भी इंटरेस्ट ले तो हम इस काम को करने के लिए तैयार है। क्या शुभ नाम हुआ? नरेंद्र कुमार पंजियारा मेरा नाम हुआ। कुल मिलाकर आज ये पेंटिंग कम समय में मिथिला पेंटिंग और अन्य कई कलाओं की बराबरी की ओर बढ़ रहा है। अब देखना ये होगा कि सरकार की तरफ से नरेंद्र पंजियार की कलाकृतियों को आगे बढ़ाने में क्या कुछ सहयोग मिलता है। देवघर से शैलेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट, बिहार तक।